हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीए। मैं हूं अनुपमा और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपकी बेस्ड रहेगी बोट और स्ट्रीम्स पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स को अक्सर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनसे जो है क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं एक आपके लिए डीआई लेकर आई हूँ, जिससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमें अगर इस तरीके की डीआई कोई भी देखने को मिलती है या फिर कोई भी क्वेश्चन भी देखने को मिलता है तो हम कैसे इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम आपको करवाने वाले हैं कंप्लीट प्रेपरेशन रीजनिंग क्वांट और जनरल अवेयरनेस की, और हम अनअकैडमी ऐप पर भी पढ़ाते हैं। आप दिव्या गुप्ता अनुपमा रानी लिखकर सर्च कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। आप रीजनिंग के लिए दिव्या मैम को फॉलो कर सकते हैं और क्वांट के लिए मुझे। तो चलिए जल्दी से, सबसे पहले आज हम देख लेते हैं हमारी डीआई किस तरीके की है, क्योंकि डीआई जो होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में, क्योंकि मेन्स में तो हमें सिर्फ डीआई ही डीआई ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो तब तो होती ही हैं, लेकिन प्री लेवल में भी हमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और इससे एक चीज़ ये भी होती है कि काफ़ी कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। हम जब डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे मिसलेनियस भी वहाँ पर बहुत सारे कवर हो जाते हैं। तो चलिए, यह है आज की आपकी डीआई। आपको सबसे पहले ग्राफ भी दे रखा है, टेबल दे रखा है और इससे रिलेटेड जो है फर्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को सबसे पहले आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को बनाने की जरूर कोशिश की होगी। हर एक क्वेश्चन को जब भी कीजिएगा टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा कि आपने ये क्वेश्चन जो है कितने टाइम में बनाया। तो टोटल जो 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, तो टोटल जरूर देखिएगा कितने टाइम में आपने बनाए, और एंड में कमेंट सेक्शन में मुझे मैंशन करके ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल क्वेश्चन जो है कितने टाइम में कर लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बोट। तो एक बोट द्वारा कितना कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया गया है हमें इस ग्राफ में दिया गया है। जैसे कि मंडे को अपस्ट्रीम के लिए ब्लू है और डाउनस्ट्रीम के लिए क्या है, रेड। जैसे कि मंडे को कितना है, 80 है, और ये आपका डाउनस्ट्रीम का कितना है, 120। ये किलोमीटर में हमें दिया हुआ है कि इतना इतना डिस्टेंस तय किया। उसके बाद हमें इस टेबल में क्या दे रखा है, टेबल में हमें दे रखा है कि सबसे पहले तो डेज़ बताए हुए हैं, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से डेज़ में हमें बताई हुई है एक तो स्पीड ऑफ बोट और एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कोई कोई चीज़ मिसिंग है वो हम जैसे ही हमारे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इफ़ द रेशो बिटवीन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ऑन मंडे एंड वेंसडे इज़ 5:7। तो अब हमें क्या दी गई है, यहाँ पर रेशो बता दी गई है मंडे और वेंसडे को कितनी है, 5:7 है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन मंडे इज 2 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन वेंसडे। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे। तो अगर आपको इसके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है बोट और स्ट्रीम कंसेप्ट के, आपको पता होगा सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड में हमारी होती है स्पीड ऑफ बोट को मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का माइनस, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ों को हम मेनली जो है इन चीज़ों को ही यूज़ करेंगे, बाकी आपको पता ही है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम, ये फॉर्मूले तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इन फॉर्मूलों को यूज़। अब देखिए क्या दिया हुआ है, रेशो बिटवीन, इनकी रेशो दी गई है। एक मेन चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन मंडे इज 2 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन वेंसडे। तो हम मान लेंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वेंसडे को हमारे पास नहीं दी गई ना, यहां पर देख लीजिए क्या दी गई है, वेंसडे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहां पर नहीं दी गई है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। आई शो यू, ये देखिए, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, वेंसडे को हम यहाँ पर एक्स मानकर चल पड़ेंगे। अब क्या कहा था कि मंडे को 2 लेस है तो एक्स माइनस
टू। अब इन्होंने रेशो किस चीज़ की दी गई थी, कि रेशो दी गई थी अप स्ट्रीम की स्पीड मंडे को और वेंसडे को, मंडे को होगी और वेंसडे को होगी। तो मंडे के लिए सबसे पहले देख लीजिए क्या दी गई है आपके पास, स्पीड ऑफ बोट कितनी है 10, 10 माइनस अप स्ट्रीम है ना, तो माइनस करेंगे 10 माइनस इसकी हमने क्या मान रखी है x माइनस टू, तो 10 माइनस x माइनस टू ये हो गया। नीचे हम किसकी लेंगे, वेंसडे की, तो वेंसडे का देख लीजिए ये हमारे पास 14 है, 14 माइनस इसकी क्या मान रखी है हमने x, 14 माइनस x, तो रेशियो क्या है 5:7, तो 5:7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर हम, और हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इतना तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब हमें पता करने को क्या कहा है, फाइंड द टाइम, टाइम पता करना है टेकन बाय बोट टू ट्रैवल द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस पता करना है, टाइम पता करना है, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस के लिए सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे पास इसके लिए होनी चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होगी, दोनों का प्लस। किस दिन की बात की गई है, वेंसडे की, तो वेंसडे का एक तो हमें ये 14 है, सॉरी वन मिनट, एक तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, स्पीड, सॉरी मंडे की, यस वेंसडे की नहीं मंडे की पूछा गया है। तो मंडे को क्या है 10 है, तो 10 ये ले लेंगे और 5 हमारे पास अब आ चुकी है, 10 + 5 = 15, ठीक है। यही अगर अपस्ट्रीम पूछा होता तो माइनस कर देते, डाउनस्ट्रीम पूछा है तो प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, अब हमें टाइम पता करना है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ देखेंगे हम यहाँ से, तो मंडे को डिस्टेंस देख लीजिए डाउनस्ट्रीम का, तो कितना आ जाएगा 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर आ जाएगा 8। सो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए क्या कहा गया है, इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इज 6 आवर, तो अब हमें जो है टाइम दिया गया है, वाइल कवरिंग द अपस्ट्रीम डिस्टेंस द स्पीड ऑफ बोट डिक्रीजेज बाय 3 किलोमीटर पर आर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे। तो किस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि थर्सडे को, थर्सडे की हमारे पास जो है स्पीड ऑफ बोट जो है वो नहीं है, थर्सडे का हमारे पास बात की गई है ना, कि देखिए थर्सडे की हमारे पास स्पीड ऑफ बोट नहीं है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यस है, ठीक है, स्पीड ऑफ जो है बोट हम मान लेंगे एक्स है, तो फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, दोनों का प्लस, तो एक्स प्लस 3, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड की यहाँ पर बात की गई है। जो भी चीज़ कहा गया है, जिस चीज़ की वैल्यू ली गई है, हम उसी को लेकर चलेंगे। जैसे कि अब टाइम बताया गया है ना डाउन स्ट्रीम का, तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हम टेबल में से पता कर लेंगे, स्पीड हमारे पास नहीं है तो जो चीज़ नहीं है उसको मान लेंगे, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो डिस्टेंस हमने टेबल में से देखा, किस दिन का देखना है, थर्सडे का देखना है डाउनस्ट्रीम का, तो थर्सडे का डाउनस्ट्रीम का कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू टाइम कितना दे रखा है 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17, एक्स की वैल्यू 17 आ चुकी है। अब देखिए अब उन्होंने क्या कहा था कि जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है वो कितना डिक्रीज हो जाता है 3 किलोमीटर पर आर से, ठीक है, तो इसको 3 किलोमीटर पर आर से डिक्रीज करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड होनी भी तो चाहिए, तो अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा दोनों का माइनस, जैसे कि x प्लस 3 था, अब क्या होगा x माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आई है 17, 17 माइनस 3 मतलब 14, तो इसको अगर 3 किलोमीटर पर आर से डिक्रीज कर दिया जाता है, मतलब 3 से डिक्रीज कर दिया मतलब कितना हो गया 11, तो हमें टाइम पता करना है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस हम देख लेंगे इस टेबल में से कितनी है हमारी 70/11, मतलब 64/11 इज राइट आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट ऑन ट्यूसडे इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ बोट ऑन सैटरडे, सैटरडे से डबल है कब ट्यूसडे को, एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अप स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे इज 5 आवर, तो 5 घंटे हमें दिया गया है,
Find the ratio between the time taken by boat to cover the distance downstream on Tuesday and Saturday. तो देखिए क्या चीज़ हमें सबसे पहले पहली लाइन में यही दिया गया है कि ट्यूसडे को जो स्पीड है बोट की वो ट्वाइस है किससे, स्पीड ऑफ बोट ऑन सैटरडे. इनमें से कोई चीज़ दे रखी है, ये सबसे पहले हम टेबल में से देख लेते हैं. स्पीड ऑफ बोट ऑन सैटरडे क्या दे रखी है? नहीं, हमारे पास नहीं है. ना ही हमारे पास स्पीड ऑफ बोट ऑन ट्यूसडे, तो क्या है? नहीं है. तो हम एक चीज़ को एक्स मान लेंगे तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? टू एक्स. ठीक है, सैटरडे को एक्स मान ली तो ट्यूसडे को क्या है? दुगनी है, तो टू एक्स ले ली. अब देखिए, अब हमारे पास क्या दे रखी थी? अप स्ट्रीम का देख रखा था टाइम, तो अप स्ट्रीम स्पीड सबसे पहले ले लेंगे. अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ पर दोनों का माइनस. तो अप स्ट्रीम स्पीड के लिए ट्यूसडे की हम देखेंगे, ट्यूसडे की कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 2x माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर? 4. ठीक है, तो ये वाली हो गई हमारे पास. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 60. वो हम कहाँ से देखेंगे? इस टेबल में से. और ओवर क्या ले लेंगे? स्पीड. तो टाइम कितना लगता है? 5. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8. अब रेशियो किस चीज़ की पता करने को कहा है हमें? रेशियो पता करने को कहा है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम करने में कितना टाइम लगा? तो कि कब? ट्यूसडे को. तो ट्यूसडे को हम डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस देख लेंगे कितना है. सबसे पहले 140 डिवाइडेड बाय हम क्या ले लेंगे? स्पीड. स्पीड क्या होगा डाउन स्ट्रीम में? दोनों का प्लस. तो ठीक है, तो प्लस करके हम ये ले लेंगे. और इसी तरीके से सैटरडे को ले लेंगे, सैटरडे का डिस्टेंस ले लेंगे, ओवर क्या ले लेंगे? स्पीड. और रेशो आ जाएगी 49:6:5. तो ये है आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्या दिया हुआ है. इफ़ द स्पीड ऑफ करंट फ्राइडे इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर. तो क्या कहा गया है कि अगर स्पीड ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, कब की जाती है? आफ्टर द बोट कवर्स हाफ द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ऑन फ्राइडे. मतलब डाउन फ्राइडे को देख लेते हैं. सबसे पहले डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है कितना? कितना है? 80. मतलब 80 टोटल डिस्टेंस है. जब हाफ कवर कर लेती है मतलब 40. जब 40 कवर कर लेती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लेती है. मतलब नेक्स्ट वाले 40 कवर करने के लिए. आगे दिया हुआ है टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर लास्ट 40. तो जो लास्ट वाले 40 किलोमीटर कवर करने हैं ना, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं. तो हमें पता करना है कि जो फर्स्ट वाले 40 किलोमीटर कवर किए हैं उसमें उसको कितना टाइम लगा. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे की बात की है तो फ्राइडे को क्या क्या हमें दिया गया है. तो फ्राइडे का हमें क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ बोट तो हमें दी गई है, लेकिन स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास नहीं है. स्पीड ऑफ बोट क्या है? 12 है. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम क्या मान लेंगे? एक्स. तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया? एक्स. ये हमने मान ली. उसके बाद क्या कहा था? लास्ट वाले 40 जो किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे का. ठीक है, तो हम वहीं पर बस यही से क्वेश्चन जो है लेकर चलेंगे. हमारे पास टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर. टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस कितना? 40. ठीक है, ये हमने ले लिया. ठीक है, 40 कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? 2. तो ओवर स्पीड लेनी है. स्पीड कौन सी लेंगे? डाउन स्ट्रीम की. तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा. अब क्या कहा था कि लास्ट वाले जो 40 किलोमीटर तय करने में उसको जो स्पीड होगी वो 2 प्लस हो जाएगी. तो मतलब ये तो है ही हमारी 12 प्लस एक्स, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है. लेकिन इसमें 2 और प्लस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि 2 से इंक्रीज हो जाती है स्पीड. तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर? 2 प्लस ले लिया. ठीक है, तो यहाँ तक हमने ले लिया. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6. एक्स की वैल्यू 6 आ गई. अब हमें पता क्या करना है? टाइम पता करना है फर्स्ट वाले कवर करने में. फर्स्ट के कितने? 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे हम? स्पीड. तो स्पीड हमारी क्या होगी? एक्स प्लस कितना होगा हमारे पास यहाँ पर? 12. ठीक है, तो ये वाला 12. तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6. और 12 6 प्लस 12 मतलब 18. तो आंसर कितना जाएगा? 2 2 बाय 9. सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा.
तो चलिए, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट ऑन संडे इज़, तो स्पीड ऑफ बोट क्या कहा गया है संडे को, क्या है 4 किलोमीटर पर आवर मोर है किससे स्पीड ऑफ बोट ऑन वेंसडे। अब देख लेते हैं क्या स्पीड ऑफ बोट ऑन वेंसडे दे रखी है, यस बिल्कुल दे रखी है। तो स्पीड ऑफ बोट ऑन वेंसडे कितनी होगी, 14 होगी। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, संडे को कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि 4 मोर है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या दिखा हुआ है, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर सेम अप स्ट्रीम डिस्टेंस एज सैटरडे इज दिस। तो हमें क्या दिया हुआ है कि टाइम किस द्वारा, बोट द्वारा अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस जितना सैटरडे को कवर किया है। तो सैटरडे को सबसे पहले अप स्ट्रीम का डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, 90, इतना ही डिस्टेंस तय करने में। तो डिस्टेंस ले लिया ये, टाइम कितना लगा, 6 घंटे लगे हैं। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो स्पीड अप स्ट्रीम की है तो माइनस होगी, तो ये हमने ले लिया कौन सी, ले ली स्पीड बोट की, स्पीड माइनस क्या कर लेंगे इसमें से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास नहीं है तो उसको हम एक्स मान लेंगे। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई, 3। अब हमें पता क्या करना था, पता करना था हमें यहाँ पर कि टाइम पता करना है बोट द्वारा कवर करने में कितने, 105 किलोमीटर कवर करने में। तो ऊपर 105, नीचे क्या लेना है हमें, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों ही प्लस कर देंगे और हमारे पास वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 105/2, 1 = 5। तो 5 घंटे लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन, आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।